देखिए, सबसे पहले पुलिस किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है। पुलिस वीडियोस की बहुत बारीक तरीके से उसकी हम स्टडी कर रहे थे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई थी और जो जो बॉर्डर लाइन इश्यूज थे उसको बहुत बारीक तरीके से देखा गया है और देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन में बहुत सारे वक्तव्य पॉइंट्स लिखे थे, उसमें से बहुत सारे कुछ उसमें ऐसे हैं जो नागपुर के दरमियान के इंसिडेंट्स नहीं दिख रहे हैं। हमने नागपुर के इंसिडेंट्स, नागपुर के एक्टिविटीज को बहुत बारीक माइन्यूट तरीके से देखा है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है। पुलिस पे दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और जहां तक रही बात हमारा जो निर्णय है उसके विरुद्ध डेफिनेटली उनके पास रेमेडीज हैं, इंक्लूडिंग गोइंग टू द कोर्ट, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। काफी दिन लगे पुलिस को इस निष्कर्ष में पहुंचने, फुटेजेस बहुत ज्यादा थे, उनकी जांच करना, बारीकी से जांच करना, इसलिए समय लगा। जी देखिए, जो दिव्य दरबार के ही जो 7 और 8 के थे वो जैसा मैंने बताया 6 घंटे के वीडियोज थे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने, उसमें कुछ कुछ जो बॉर्डर लाइन इश्यूज थे उसको हम लोग बहुत ही श्योर तरीके से कॉन्फिडेंस और एक प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुंचे। इसके लिए टाइम जरूर लगा है लेकिन किसी भी प्रकार का इसमें कोई ऑफेंस मेकआउट होता है ऐसी बात नहीं है। सर, हमने देखा है इस पूरे मामले में काफी विवाद हुआ, नेशनल लेवल पे विवाद हुआ है, तो क्या मानते हैं नागपुर पुलिस की ओर से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो क्लीन चिट नागपुर पुलिस से दिए? देखिए, नागपुर शहर पुलिस किसी को क्लीन चिट या वो का विषय नहीं है। हमारे पास बहुत लिमिटेड मैंडेट था कि जो नागपुर के दरमियान में कोई भी उनकी एक्ट या ओमिशन या अटरेशन इस एक्ट्स के अंतर्गत गुना होता है क्या, ये देखने की बात थी। और इस इशू पे डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि किसी प्रकार का कोई गुना नहीं निष्पन्न हो रहा है।